नमस्कार मित्रों, एस्ट्रो इंसाइट्स विद ऋचा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर ऋचा शुक्ला। नक्षत्रों की श्रृंखला में अब बात होगी उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र की। उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र जो है वो सिंह राशि में 26 डिग्री 40 मिनट से लेकर और 10 डिग्री वर्गो यानी कन्या राशि तक इसका फैलाव या विस्तार होता है। सिंपल वर्ड्स में कि अगर आपका चंद्रमा सिंह राशि में है और उसकी डिग्री 26 डिग्री 40 मिनट से लेकर 30 डिग्री तक के बीच में है, यानी कि बस इसका एक जो चरण है वो सिंह राशि में पड़ता है, और उसके बाद अगर आपका कन्या राशि का जन्म है 0 डिग्री से लेकर 10 डिग्री तक अगर उस चंद्रमा की डिग्रीज हैं तो आपका नक्षत्र उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र है। उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र जो है वो सूर्य का नक्षत्र है। सूर्य इसके रूलर है और इसके जो डीटी होते हैं, जो इसके देव होते हैं, वो शिव होते हैं, लॉर्ड शिवा। उनकी भक्ति आप कर सकते हैं अगर आप इस नक्षत्र में जन्म आपने लिया है। इसका सिंबल क्या होता है, इसका प्रतीक क्या होता है, या जो ताराओं का समूह है वो मिलकर कुछ किस तरह की आकृति बनाता है। हमने अभी पूर्वा फाल्गुनी की बात की थी, जिसका मतलब था कि पलंग के बाहर के जो दो पैर होते हैं, पहले जो दो पैर होते हैं वो एक झूलता हुआ पलंग है और उसके आगे के पैर जो है वो पूर्वा फाल्गुनी का सिंबल है। तो अब यह है उत्तरा फाल्गुनी, यानी कि पलंग के पीछे के जो दो पैर हैं उनकी आकृति जैसा लिया हुआ इसका एक प्रतीक होता है। और इसका यह भी मतलब होता है कि सूर्य का मतलब जो बाद में दिखने वाला लाल रंग है वो भी इसका एक प्रतीक चिन्ह माना जाता है। आप की जो शक्ति है, जो ताकत आपकी सबसे बड़ी क्या हो सकती है कि आप काफी एनर्जेटिक हैं, आपके अंदर ऊर्जा बहुत है। So, ये आपकी एक ताकत है। अगर आप अपनी एनर्जी को भरपूर यूज करते हैं, का भरपूर यूज करते हैं, तो आपके जीवन में काफी बदलाव आ सकते हैं। आप नेचर या कैरेक्टरिस्टिक्स आपकी किस तरह की हो सकती हैं, चलिए इस विषय में जान लेते हैं। सबसे पहले बात, क्योंकि ये जो दो नक्षत्र हैं इनका जो सिंबल है वही है पलंग या बिस्तर, तो कहीं ना कहीं आराम पसंद आप लोग भी होते हैं, और या ये कह सकते हैं कि आप लग्जरी पसंद होते हैं। आराम से ज्यादा आप लग्जरी पसंद होते हैं, जिसको आप कहते हैं ना कि सुख सुविधा, भौतिक सुख सुविधाओं के आप आदि भी होते हैं और आप बहुत पसंद भी करते हैं। आप कंफर्ट पाने के लिए कोशिश करते हैं, मतलब आपके आसपास सब अच्छी चीजें होनी चाहिए, लग्जरी, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि आप उनका उपभोग कर रहे हैं। पूर्वा फाल्गुनी वाले लोग खुद ही बहुत आलसी भी कह सकते हैं, या आराम पसंद होते हैं। आप आराम की चीजें इकट्ठा करते हैं लेकिन बहुत आराम पसंद नहीं होते हैं। आपके लिए जो मेन या पॉजिटिव कैरेक्टरिस्टिक्स जिनको मैं कहती हूं वो है, आप एम्बिशियस हैं, बहुत महत्वाकांक्षी हैं, आप प्रोडक्टिव हैं, आपके अंदर किसी भी काम को करने की जो एक किसी भी चीज को बनाकर दिखाने की जो प्रोडक्टिविटी होती है, जो उत्पादकता होती है, वो आपके अंदर बहुत होती है। मेहनती है, मेहनतकश लोग होते हैं उत्तरा फाल्गुनी वाले जो होते हैं, अच्छे वार्ताकार होते हैं, कम्युनिकेशन स्किल्स आपकी बहुत अच्छी होती है। आप अपनी वार्ता से, वाणी से लोगों को इम्प्रेस कर सकते हैं, भरोसेमंद हैं, आप लॉयल हैं, लोग आप पर डिपेंड कर सकते हैं या भरोसा कर सकते हैं। सामाजिक जीवन में आप काफी फेमस भी होते हैं और सामाजिकता आपको बहुत पसंद भी है। आप दानी भी होते हैं, फिलंथ्रपी जिसको आप कहते हैं ना, दान करना और चैरिटी करना, ये भी आपकी एक अच्छी आदत होती है, काफी फोकस्ड। आप कभी भी किसी भी चीज को इसी तरह, मतलब जिसको कहते हैं ना, लाइटली नहीं लेते हैं। आप बहुत फोकस्ड होकर अपने गोल्स को या किसी काम को अचीव करने की कोशिश करते हैं, तो आपका फोकस बहुत जबरदस्त होता है। कंसंट्रेशन जो जिसको कहते हैं ना, किसी भी चीज को करने के लिए हमारा एक कंसंट्रेशन होता है, उसको उसका हिंदी वर्ड अभी मुझे नहीं आ रहा है, तो कंसंट्रेशन भी आपका बहुत
शार्प होता है, बहुत अच्छा होता है, तो आप फोकस्ड भी हैं, कंसंट्रेट भी कर पाते हैं चीजों पर, इसलिए आप जीवन में अच्छी उन्नति कर सकते हैं। थॉट प्रोसेस का जहां तक सवाल है, आप लिबरल तो हैं, लिबरल मतलब खुलापन है आपके विचारों में, लेकिन केवल और केवल अपने ही विचारों के लिए, मतलब जिन विचारों को आप अच्छा मानते हैं उनके लिए आप काफी लिबरल हैं, औरों के विचारों को आप उतना मान सम्मान नहीं भी देते हैं। साहसी हैं, एडवेंचरस हैं, साहसी मतलब ब्रेव हैं आप काफी, और आप ऊर्जावान, तो मैंने पहले ही कह दिया आप ऊर्जावान हैं, साहसी हैं। अक्सर मैंने देखा है कि उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र वाले लोग स्पिरिचुअल एडवांसमेंट में भी काफी रुचि लेते हैं। सूर्य का नक्षत्र है, आत्मा का कारक है सूर्य, तो कहीं ना कहीं आप अपनी सोल को एलिवेट करना, आत्मा को ऊपर उठाना या स्पिरिचुअलिटी में चले जाना, ये भी आपकी कई बार खोज होती है। बड़े बड़े लोगों के साथ बात करना, उनसे नेगोशिएशन करना, उनके साथ बातें करके उनको अपनी बात मनवा लेना, ये सब भी आपके पॉजिटिव गुणों में शामिल होता है, और इसी वजह से आप अच्छी पोजीशन भी पा जाते हैं। अब ये कि आपके कैरेक्टर के कुछ नेगेटिव ट्रेट्स क्या हो सकते हैं या थोड़े से नकारात्मक ट्रेट्स क्या हो सकते हैं। सबसे पहले कि आप इगोइस्टिक हैं, सूर्य है ना, तो कहीं ना कहीं अहंकार आपके अंदर देता है, थोड़े से फंसी भी हैं आप, चीजों को लेकर एक इजी अप्रोच नहीं रखते, थोड़े फंसी हैं, जैसा काम आपको करना पसंद है, जिस तरह से पसंद है उसी तरह से करते हैं, तो वहां पर आप थोड़े फंसी हो जाते हैं। आप अनग्रेटफुल भी कई बार होते हैं, मतलब लोगों का एहसान नहीं मानना, बॉसी एक्ट करना, दूसरों के ऊपर अपनी सुपीरियोरिटी को साबित करना, स्टबर्न, जिद्दी होते हैं ऐसे लोग। देखिए, अगर आप अपने गोल को पाने के लिए जिद्दी हैं तो बहुत अच्छा, लेकिन अगर आप किसी नेगेटिव बात को लेकर जिद्दी होते हैं तो फिर आपके लिए अच्छा नहीं हो सकता है। क्रिटिकल हैं बहुत, आलोचना करते हैं कई लोगों की, और पसंद भी करते हैं लोगों की आलोचना करना। लैक ऑफ कॉन्फिडेंस से भी कई बार मैंने देखा है, सूर्य अगर आपकी कुंडली में अच्छा प्लेस्ड नहीं है और आप उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में पैदा हुए हैं, तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस की काफी कमी होती है, जबरदस्त कमी हो सकती है। रेस्टलेस रहते हैं, स्टेटस के लिए बहुत कॉन्शियस रहते हैं, लोग क्या कहेंगे, समाज में मैं कैसा दिख रहा हूं, इसकी वरी बहुत ज्यादा करते हैं, और इस वजह से काफी रेस्टलेस रहते हैं। तो ये आपकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, आपका नेचर है इस तरह का। प्रोफेशन किस तरह का चुन सकते हैं उत्तरा फाल्गुनी वाले लोग, सबसे पहले कहूंगी पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स आपके लिए एक अच्छा करियर ऑप्शन हो सकता है, उसके बाद आप म्यूजिशियन हो सकते हैं, संगीतकार बन सकते हैं, कलाकार बन सकते हैं, मैनेजर्स, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को मैनेज करना, मैनेजर्स, सीईओ वगैरह भी हो सकते हैं, लीडर, नेता पहले ही कह दिया, तो लीडर या किसी और कल्ट के भी लीडर, जरूरी नहीं पॉलिटिक्स में लीडर हो, किसी भी संप्रदाय को लीड करना भी आपका काम हो सकता है। पब्लिक स्पीकर होते हैं आप, पब्लिक फिगर बन जाते हैं आप, और इस तरह से जो भी काम इन चीजों से रिलेटेड हैं, स्पीकिंग से, पब्लिक सेक्टर से, उनमें आप काफी अच्छा कर सकते हैं। बहुत जबरदस्त स्पोर्ट्स पर्सन हो सकते हैं आप, खिलाड़ी हो सकते हैं, काउंसलर हो सकते हैं, एंटरटेनर हो सकते हैं, हेड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन हो सकते हैं, मैंने पहले कह दिया, प्रीचर हो सकते हैं, बहुत अच्छे सीख देने वाले, शिक्षक बहुत अच्छे, वो भी आप बन सकते हैं, मैरिज काउंसलर बहुत अच्छे हो सकते हैं, जी हाँ, आप बहुत अच्छी मैरिज काउंसलिंग कर सकते हैं, सेक्स थेरेपिस्ट हो सकते हैं, बैंकर हो सकते हैं, सरकारी संस्थाओं के पदों पर, उच्च पदों पर आसीन हो सकते हैं, सामाजिक कार्यकर्ता भी हो सकते हैं, और किसी भी जगह पर, किसी भी जगह पर कमांडिंग पोजीशन को हायर ले लेना आपकी एक खूबी होती है, आप लोगों पर कमांड कर सकते हैं, तो वो भी आपके लिए एक बहुत अच्छा, और एक बहुत इंटरेस्टिंग है, आज के समय में बहुत चलता है स्पा, स्पा ओनर,
या फिर जो भी लग्जरी रिजॉर्ट्स वगैरह होते हैं वो भी आप लोग ओन कर सकते हैं या बना सकते हैं। सो उस तरह के बिजनेस भी आप कर सकते हैं। रिलेशनशिप्स आपके कैसे हो सकते हैं? जनरली आई हैव सीन कि मैरिड लाइफ अच्छी होती है, कंफर्टेबल मैरिड लाइफ होती है, क्योंकि आप एक ना आपके अंदर एक ठहराव है और आप संतुष्ट रहते हैं, यू आर कंटेंटेड। तो जल्दी आपको बहुत ज्यादा डिमांडिंग हस्बैंड या वाइफ आप नहीं बनते हैं, तो आपकी मैरिड लाइफ अच्छी चलती है। आपके जो स्पाउस होंगे, चाहे वो आप पुरुष हैं या महिला, वो बहुत ही फैमिली लविंग होते हैं। सो आपके पति या आपकी पत्नी परिवार से प्यार करने वाली, परिवार की देखभाल करने वाले हो सकते हैं, तो ठीक ठाक मैरिड लाइफ है। अब ये कि अगर आप इसके पहले पद में, जो मैं हमेशा ही हर नक्षत्र के लिए बताती हूं, अगर आप इसके पहले पद में जन्म आपने लिया है, तो फिर आप काफी इम्प्रेसिव हैं, आपकी विल पावर बहुत स्ट्रांग है और आपका लाइफस्टाइल लेविश है। दूसरे पद में अगर आपने जन्म लिया है, तो आप यू आर अ बिग फूडी, बहुत खाना, बहुत अच्छा खाना आपको पसंद होता है। वेल्थ या धन जो है वो मीडियम होता है आपके पास। थोड़ा सा अनस्टेबल माइंड होता है, रेस्टलेस ज्यादा रहते हैं ऐसे लोग। तीसरे पद में अगर आपका जन्म है, तो आप ह्यूमैनिटेरियन हैं, मतलब मानवता के लिए कार्य करने वाले हैं। लोग आपका बहुत भरोसा करते हैं और आपके पास विजडम या बुद्धि भी जबरदस्त होती है। चौथे पद में अगर आपने जन्म लिया है, तो आप थोड़े से अकेलेपन को पसंद करने वाले होते हैं, सॉलिट्यूड लवर्स। अकेले निर्जन स्थानों पर चला जाना, वहां कुछ ध्यान करना, सोचना, मेडिटेशन करना आप पसंद कर सकते हैं। आप अपनी गलती करके ही सीखते हैं, आपको कोई कुछ सिखा नहीं सकता। आप पहले गलती खुद करेंगे और उससे ही सीखेंगे। माँ बाप से कई बार आपको दूर रहना पड़ता है। आप लोगों के लिए हेल्थ इश्यूज में मैं कहूंगी, बहुत ज्यादा तो नहीं, लेकिन मैं कहूंगी कि आप लोगों के लिए एक तो प्राइवेट पार्ट्स के कुछ रोग आपको हो सकते हैं, आपकी आंखें कमजोर हो सकती हैं, आपके ब्रेन फीवर वगैरह जो है वो भी मैंने देखा है कि काफी फ्रीक्वेंटली या बहुत बार मैंने देखा है कि आप उत्तरा फाल्गुनी में जन्मे लोगों के साथ इस तरह की प्रॉब्लम होती है। या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि मानसिक आघात या नर्वस सिस्टम में परेशानी, इस तरह की चीजें भी आपको हो सकती हैं। बर्निंग सेंसेशन होना चेस्ट में, ये भी आपको कभी कभी दिखाई पड़ सकता है। तो इस तरह के कुछ छोटे मोटे रोग भी आपको परेशान कर सकते हैं। ये थी मेरी एनालिसिस उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र वालों के लिए। और आपको यदि मेरे वीडियोस पसंद आते हैं, तो प्लीज उनको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू सो मच।